अपने आप को खुद ही खुश रखना पड़ता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना है, क्योंकि अपनी आप की खुशी, अपने मन की खुशी हम खुद से रख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, तभी हम हमेशा खुश रह सकते हैं। दूसरों की आस करेंगे तो कभी भी हम लोग खुश नहीं रह सकते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। ये है सुबह की चाय। भाषा की नहीं, ममता बोल बोल जल्दी। भाषा जो वही था, मतलब बीच का तो पता, पर आगे का नहीं पता। आगे का तो मतलब नहीं पता। तो पढ़ लिए? हाँ पढ़ लिए। अच्छा हर्षी भी? चलो अब चोटी करवाओ। अच्छा दोनों जोड़े थोड़ी सी गिल्ले हैं अभी। चलो थोड़ी सी देर में कर रही, ठीक है? उसे बोली कहते हैं। भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बैठ पूरा खड़ा है। संतल बैठे दिए आगे होंगे आदमी। चले किताब ले तुम। चल पापा याद आएगा, तेरे नहीं आया कुछ याद? बस 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 नीचे ना तो डाली एक चिड़िया के बच्चे चार। एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले, पंख सार इधर से पश्चिम को जाते, उत्तर से पश्चिम को घूम घाम कर जब घर आते, माता को ये भजन सुनाते। आगे देख लिया हमने, देख लिया हमने जब सब, जब सारा अपना घर है सबसे प्यारा। चलो बहुत बढ़िया। चारी गिराएगी रिमांड लेने। कुछ भी सुन सको, मैं कड़ी तक सुनता हूं, जरूरी थोड़ी एक ही चीज सुनूंगा। आओ मतलब पूरी बुक। हां ठीक है, बस कोई कोई चैप्टर हो गए तो मैं ले लूंगा। चिंता नहीं कर, तेरे उसको तो बोल बात में सुनाई टाइम से नहीं ले रहा। देख लो आपकी बहुत स्टूडेंट क्या कर रही है, बैठी हुई है, बस कर रही है। नहीं चल नहीं आ रहा है, चेक करो नहीं है वो तो थोड़ा बहुत है। इसके दिमाग में खट खट का पूछ या तो फिर भी ठीक है, या भी ठीक है, वो भी ठीक है, या वो तो ठीक कर रही है। या तेरे की तेज चला आज झूठे तो पढ़ाई करती है संध्या का मन्नू तो कहती है पढ़ाई करती है मेरा। नहीं नहीं तेरे तो नहीं कुछ भी कह रहे बेटे। इंग्लिश की किताब जाते हैं आज तेरे ना मास्टर टीचर बना के दम देवेगा। पर आज टीचर्स डे तो नहीं है, कल था टीचर्स डे तो और आज तो अन्नी ने सुबह से ही मास्टर बनके बच्चों के ऊपर डंडा उठा लिया। बच्चों को मतलब पढ़ा रहा था, सुन रहा था उनसे कि किसको कितना आता है, क्या आता है, क्या उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि पेपर आ गए हैं सर पे, मतलब पेपर अभी होके ख़त्म हुए हैं। और वीडियो तो मेरा लेट है आप जानते ही है। और ये बन गई है मटर पनीर की भुजी और पराठे, साथ में टेस्टी टेस्टी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो हम लोग तो भाई खा रहे हैं और बच्चे भी मेरे साथ खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे साथ ही खाना खाते हैं। तो आज हमारा लास्ट दिन है मायके में और हम लोग जाने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं ससुराल, यहाँ से मत्था टेक के माड़ी पे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे ससुराल मतलब अपने घर।
तो जी अपना घर पता नहीं कौन सा होता है, मायका होता है या ससुराल होता है। मैंने सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मानने को तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि औरत के दो दो घर होते हैं, तो ये भी सोच रख सकते हैं अगर अच्छा सोचो तो बुरा सोचो तो औरत का कोई भी घर नहीं होता, मतलब कि नेगेटिव सोच रखो तो। लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की जो है पिक्स ले ली थी, क्योंकि इनका है बर्थडे, दोनों बच्चों का बर्थडे था 7 सितंबर को, तो इन दोनों की पिक्स लगानी थी नेक्स्ट डे। आज 6 सितंबर है तो हम लोग मायके जा रहे हैं, और 7 सितंबर का इनका बर्थडे है नेक्स्ट डे, तो कल बर्थडे करेंगे बच्चों का। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना। तो जी यहाँ पर गाड़ी हो चुकी है तैयार और अन्नी हमें छोड़ के आएगा, अन्नी और अभिषेक। अभिषेक अन्नी का दोस्त है और ये दोनों हमें छोड़ के आएंगे, क्योंकि मेरे देवर हमें छोड़ के चले गए थे, तो अब तो वो लोग आएंगे नहीं लेने के लिए, तो बस यहाँ से ही हम लोग जा रहे हैं। तो ये है हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, और ये है हमारी दोनों बहुएं और ये है भाभी, ये संध्या। तो सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं हमारा हमें विदाई देने के लिए। और मीशू भी हमारे साथ चलने की जिद कर रही थी, लेकिन क्या करें नहीं ला सकते हैं। हमने तो बोला था अन्नी को कि चलो ले चलो और आते वक्त वापस ले आना, क्योंकि इनका तो मुश्किल 1 घंटा या आधा घंटा लगना था, ज़्यादा टाइम ये लोग लगाने वाले नहीं थे और रुके भी नहीं थे ये ज़्यादा टाइम, बस ये हमें छोड़ते ही चाय पानी पिया और चल दिए थे वापस। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, शिवी के बर्थडे वाले दिन का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने शिवी के लिए थोड़ा सा सामान मंगवा लिया है, और ये डेडी हो चुकी है, और ये जो ड्रेस शिवी ने पहनी हुई है ना, ये इसके मामा ने दी है, अन्नू मामा ने, तो इसको यही पसंद आई थी, इसको पसंद करवा के लाया था, तो इसने यही वाली पहनी, अन्नू मामा ने दिलाए थे। लन कर ले, ठीक है। तो यहाँ बर्थडे वगैरह तो करते नहीं थे, लेकिन अब बर्थडे होने लगा है बच्चों का। पिछली बार जब आशु का बर्थडे था तो कान्हा जी का बर्थडे किया था, मतलब कान्हा जी का बर्थडे था तो आशु का बर्थडे हो गया था उसी दिन का, तो उसी दिन मम्मी ने बर्थडे बना लिया था, तो अब हमारे घर में बर्थडे मनेंगे। और यहाँ पर हो रही है फिर पूरी तरह से तैयारी, और आज ना एक इंसिडेंट भी हो गया था, तो मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी बर्थडे मनाने का। पहले तो सुबह से हो गई थी तैयारी कि हाँ बर्थडे मनेगा मनेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमें मना करना पड़ा आशु को, केक का भी ऑर्डर दे दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको बोला फ़ोन करके कि नहीं केक नहीं आएगा घर में, कुछ भी फंक्शन हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब वो सब ठीक हो गया तो लगभग 6:30 बजे की बात है, तो मैंने उसको बोला कि चलो ले आओ केक, अब सब ठीक हो गया है। तो फिर वो केक लेकर आया और ये सामान लेकर आया, तो फिर सारी तैयारियां मुझे और बच्चों को करनी पड़ी, यानी कि चेरी को और चीकू को करनी पड़ी। और आशु चला गया था अपनी पार्टी में, मतलब उसके दोस्त ने भी कोई पार्टी दी हुई थी, तो वो ये सब सामान लेकर आ गया था, और फिर जो है मतलब हमने तैयारियां की और वो बर्थडे में चला गया था। और फिर जब आया ये केक वगैरह लेके, तो ये कुछ इस तरह का केक है तेजस्वी के नाम का, पहली बार हमारे घर में, मतलब दूसरी बार हमारे घर में ये केक आया, मतलब पहले मेरे बेटे का बर्थडे मना और अब पहली बार तेजस्वी का बर्थडे मन रहा है 5 सालों के बाद। तो अब शिवी हमारी 5 साल की हो चुकी है, तो ये देखिए इस टाइम पे ना शिवी की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो रखी है, क्योंकि आज मैंने ना इसको एक टीका लगवा दिया जो 5 साल के बच्चे को लगवाते हैं। तो ये टीका वैसे तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये टीका आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो मैंने लगवा दिया था और इसकी तबीयत हो गई डाउन।